हमारे सियासी मिशन के तमाम ये हमारे गुरु हुए लोग इन्हीं क्लास में पढ़े भाई बहन जी भाई सिद्धि भाई मान भाई और हम सब की इलाके बैठी हमारे सब की सरजमीन सारे रुपये के बच्चे की इज्जत हमारी बेटी प्रशासन बड़ा आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आज हम एक जगह एक प्लेट भर पकड़े हैं उन्हें नौजवान बच्चे जितने इन्होंने अपने होश में हमें इनके घर पर लगी देखा लेकिन जितने पुराने हैं इन्हें बताया कि इनका घर और मेरा घर कैसे है किस तरीके से सियासत में कदम रखा किस तरीके से दोनों परिवार आगे बढ़े और आज मरहूम भाई हमारे बीच में नहीं है इनकी निशानी है और इस चुनाव में हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी का गठबंधन है लेकिन मैंने इससे पहले भी अब से करीब 2 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि ये हमारे दिल में नहीं है हम आपस में लड़ते रहे दूसरे को जीतने का रास्ता अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हम सामने चुनाव नहीं करेंगे हमने पहले ही कह आज अल्लाह ने वो वक्त दिया पार्टी का अलायंस भी हो गया और अभी 3-4 दिन पहले विधायक जी मेरे पास आए थे नहीं मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं कहा पाए ये अपना मिजाज नहीं है औरों की तरह अपने शिकवे शिकायत गिरे शिकवे रखे आगे के पीछे की तय करें कुछ नहीं ये लड़ाई है जिस तरफ भाई मजाई लड़ा ने ध्यान दिया जिक्र आपको करके बताया कि अभी आपके ऊपर खुदूस जहाँ से लोग खड़े हैं आप पर एक डंडा सी है नासी का लिए वो खड़े हैं और सीधा कह रहे हैं आपकी बात 400 बार और संविधान को बदल करके हमें और आपको दोनों दर्जे का नागरिक हमारे राइट ऑफ वोट खत्म हमारे पास संपत्ति लिमिटेड होगी हमारे रहने का अंदाज गुलामों वाला अब सोचना यह है कि हमें बचे कैसे हम भी हैं उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हमारे भाई कर्नाटक में रहते हैं कर्नाटक के लोगों ने पता नहीं चलने दिया और बीजेपी की सरकार भटका दी किसी से ये नहीं कहा कि हम वोट दें लेकिन कोई बात नहीं थी और जिस दिन पोली का वक्त आया अल्लाह का नाम लेकर घर से निकले और इस तरह वोट आना बीजेपी की सरकार उलट हमारे यहाँ सोशल मीडिया का बड़ा खेल है हमारे नौजवान बच्चे फोन पर बैठते हैं और खूब दबा के इंशाल्लाह अरब का नाम लेके वोट डालेंगे इकरासन को वोट डालेंगे साइकिल को वोट डालेंगे मोहम्मद मसूद को वोट डालेंगे लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आपके सोशल मीडिया पर बाइट सुनेगा तो आपके सामने वाला भी इकट्ठा हो जाएगा उसका रिएक्शन हो जाएगा यह गिनती का खेल है यहाँ करीब करीब 38-40% के आसपास है मुस्लिम इस लोकसभा सीट पर 38-40% मुस्लिम है और 62% हमारे दूसरे भाई हैं अगर हम 40% एक जगह बैठेंगे तो 60% बैठेंगे हम हो एक जगह लेकिन शो में और ये जगह संदीप जैसे साथी हमारे खड़े हैं राजनीति में सेकुलर राजनीति में इनकी इच्छाएं है कि हम भी राजनीति में आगे बढ़े आपके वोट के जरिए बढ़े तो मेरी अभी होना भी दे हमारा वोट इंतजार मिलेगा तो इस लोकसभा चुनाव को ये मान के चलिए कि अगर ये आपसे फिसल गया तो हमारे आने वाले नस्लों के लिए गुलामी की चाबी हमारा आप तो झेल लगे जाए झेलों पर लेकिन जो बच्चे छोटे छोटे हैं इन पे क्या गुजरेगी आप उसको तो सपोर्ट करिए रही कस्बा गंगू की बात पहले अरे लालू थोड़ी देर रुको पहले गंगों के लोगों से कहना चाहता हूं अगर कुछ इज्जत कुछ मोहब्बत
मुझसे मेरे मरूम वाली से मेरे खानदान से करते हो, दिल के कोने में कहीं को भी इज्जत हो तो इस वोट में बैठो, तो लेकर बैठियो। और अगर अगर ये करना तो घर के तबे पे से काला सुधा लाओ, मेरे ऊपर काला से ही बोल दो, ये मोहल्ला टकाने शहर का दिल है, ये मोहल्ला टकाने शहर का दिल है, ये जितनी तेजी से दौड़ता है उतनी तेजी से शहर चलता है। ये मैंने आज नहीं कहा, मैं अपने हर जलसे में कहता हूँ। और शहर के बीच में ये मोहल्ला है, चारों तरफ आप जिस तरह घिरे हो सब पता है, लेकिन यहाँ आपका मजबूत कदम है। तो हमारी आपकी इज्जत, हमारा आपका वकार, इन मेरे बड़े बेटे इनकी इज्जत और हमारी बात का वजन इसी बात से होगा कि जब तबस्सुम बाजी को उपचुनाव में मदद की थी तब 14,500 से ऊपर चले गए थे, आज अपनी बेटी को मदद कर रहे हैं 16,000-17,000 पर शहर मुनाफिक भी शहर में है जो अपने कारोबार के लिए चोला बदल गए। तुम्हारी मोहब्बत में कोई नहीं बदला, अपने कारोबार के लिए पीला कट पटका पहन लिया और बैठ गए, वो भी शहर में है। बातें करेंगे आगे दुनिया भर की। एक इंटरव्यू में राणा जी में सुन रहा कि नवान मजदूर जब चुनाव लड़ता है बीजेपी क्षमा की जाती है, जब जब चुनाव लड़ा चलो ये जीत जाती है मेरे बिना, अब हम क्या कर रहे हैं खुद पटका लाने बैठे। कौन बीजेपी का सपोर्टर है, कौन बीजेपी से मिला हुआ है, आज तुम कस्बे के लोगों के सामने तस्वीर साफ है, आज तुम्हारा बोर्ड है। गंगों के लोगों को तो यकीन दिला सकता हूँ कि जब तक नौमान मसूद जिंदा है सीएनआरसी जैसा डंडा तुम्हारे में चलने लगेगा। लेकिन जहां जान नहीं, जैसे देवबंद है हमारा मरकज है, वहां के लोग दे बैठे, देखना क्या होगा। कार्यदायी संस्था नगर पालिका तो होगी, तो जहाँ तुम्हारा हुक्मरान बैठा वहां कर देगा सही काम, और जहां नहीं है वहां परेशानी होगी। और ये देश की संस्था के लिए अपना प्रतिनिधि बैठा है, ये हमारी बच्ची जीत करके जाए और जब देश की संसद में इस मुद्दे पर बहस हो, तो अनपढ़ बच्चे नहीं है पढ़े लिखे हैं अपनी बात को रखे और अपने कौन की लड़ाई करे। और दूसरी बात, गंगों के लोगों को मुबारकबाद आपको और दूं कि इसी इंडिया गठबंधन से अभी थोड़ी देर पहले सहारनपुर से इमरान मसूद का टिकट निकला था। अब आप पर जिम्मेदारी डबल, मेरे पे भी डबल, अब डबल इंजन की सरकार तो हमें बननी पड़ेगी ना, बच्ची की भी चुनाव को देखना उसको भी देखना, तो मैं जो देखना तो मेरे साथ मेरे सारे भाइयों को अपनी वोटर लिस्टों को देखिए, वोटर लिस्टें वोटर लिस्टों में से जाते आप घंटे उस काम को पूरे शहर की वोटर लिस्टों को देखिए, हर पन्ने में से कितने वोट पा रहे वो ईद में वापस आएंगे, और जो बच्चे भी ईद में वापस आए उन्हें चुनाव के जाने होते अपना वोट डाल के जाएंगे। और यहाँ चुनाव चिन्ह हमारा साइकिल है, अभी कह रहे थे कि कभी मेरा नहीं, राणा जी मेरी तरफ तो मैं हरवा नहीं छोड़ दिया, मैं भी वो सारे चुनाव चिन्ह मेरे घर में रखे हैं, कभी हल्दम जुड़ घी, कभी खजूर का पेटा, कभी आपके जगह के सामने वो लगा हुआ है, आपके जगह के सामने साइकिल लगी हुई है, इसी में लगी थी, नहीं अंदर में लगी हुई है, अंदर में लगा हुआ है, 70 का पिसाब का स्टेंसिल बिछा हुआ है, 1970 में जब पिसाब करा हुआ है, तो चुनाव चिन्ह की नहीं, चुनाव चिन्ह तो कोई नहीं, बात तो अपने वकार की और अपने इज्जत की है, तो मैं मुतमईन होकर जाऊं, तो 3-4 मोहल्ले वाले खड़े, देखो जितनी बार मुझे कहोगे भागता दौड़ता आपके बीच में मैं आऊंगा, एक बार कहो, एक बार, दो बार कहो, दो बार, अपने अपने गली की, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि अपने गली मोहल्ले के अंदर आप निकले और फिर खुदूर यहाँ मोहल्ला कुरेशान के लोग खड़े, सबसे ज्यादा सौदा तुम्हारा हो ना, और वहीं से बता दो, वहीं से बता दो, बराबर के लोग यहाँ नहीं, दो चार है हाँ बैठे तुम भी, मैं जाते जो कुछ हुआ हुआ देखो यहाँ सारे इकट्ठे हो गए,
गड्डी को पार्क समाजवादी पार्टी का वोट और मेरा वोट। मैं आपको क्लियर बताऊं बेटे, समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट है वो वोट और आपका वोट अगर यहाँ कर दो तो ये वोट 16,000 बैठा है, 11,000 आपको मिला हुआ है और 5,000 समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चट्टी के निशान बना दिया था, तुमने साइकिल के था साइकिल बना दिया 5,000 वोट जो सभी को मिला था वो 5,000 वोट वो मतलब मैं तुमसे छोड़ देता हूँ कुछ और ना वहाँ के जोड़ कह रहा हूँ। और अगर आप इसे यहाँ शहर के अंदर 27,000 वोट आपके हैं और 14-15,000 वोट हमारे दूसरे बहनों के हैं जिनमें हमारी भागीदारी 1,000-2,000 वोट की रहती है, अभी 27,000 में से आप 20,000 वोट पोल करो, 22,000 वोट पोल करो और 500-400 जुड़ाता हूँ, इससे अच्छी क्या बात है, यहाँ की जीत चिल्का ने देखने पकड़ में थी, ये सारा कुछ रहा था बीजेपी जितना बड़ा और देखा सारा कुछ बीजेपी डाल के एक कस्बे की जीत तो इसलिए बेदार होकर के चुनाव लड़ो, इज्जत के लिए चुनाव लड़ो, वकार के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चुनाव लड़ो, जीत जाओगे तो गाजी कहलाओगे और अगर हार गए तो बाद में हाथ बंदे गलत की होगी और फिर बच्चों के लिए जो कुछ होना है। 10 साल गुजर गए, इससे पहले भी हिंदुस्तान था लेकिन इस 10 साल के अंदर जो हालात बने हुए अभी दिल्ली का हवा का जिक्र करा, बदायूं में एक नाई के बच्चे ने जो एबनॉर्मल था 2 बच्चों का खत्म जुलम करा छोटे छोटे बच्चे मार दिए और उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जब पता लगा